अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज हम सब दोस्त हाजिर हुए हैं एक सोसाइटी जो हमने अभी स्टार्ट की है, तो उसकी बिना पे हम सब दोस्त हाजिर हुए हैं। बेसिकली ये हमारे शहजाद भाई हैं जिन्होंने बेसिकली हमें ये सोसाइटी बना। तो शहजाद भाई, इसके मुतल्लिक आप हमें क्या बताना चाहेंगे बेसिकली? कम्युनिटी के लिए जो है ये मैंने बनाया, ताकि जो है ये न्यू फ्रेंड्स जो भी हैं, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं जिन्होंने 8 8 10 10 पेड़ लगाए हुए थे, लेकिन वो पूरे सेटअप जो है उन्होंने सेल कर दिए हैं, इस डर से कि लबड़ गिर गया है। तो मेरा मकसद ये था कि हम लोग जो है कम्युनिटी में चलें और लबड़ को जो है प्रमोट करें, और बेसिक हमारा सर्कल ही जो है वो लबड़ से भी चल रहा है, और साथ हम जॉब्स भी कर रहे हैं, ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स जो है वो बैठे हुए हैं, तो कुछ सवाल आप उनसे पूछे। सीनियर्स भी बैठे हुए हैं हमारे साथ जो है। दानी भाई से सवाल करिए, दानी भाई क्या कहेंगे इस बारे क्या यानी कि कहना चाहेंगे इस पर्पस पे में? या मैं इस इस पे? पर्पस से यही बात करूंगा कि लबड़ खत्म तो नहीं होगा, चलता रहेगा, इसमें न्यू म्यूटेशन चलती रहेंगी, ठीक तो है, दिल छोटा नहीं करना चाहिए हमें। बर्ड्स के रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो हमें यह है कि टाइम के साथ साथ इसको लेके चलना चाहिए, तो अपग्रेड करना चाहिए। ठीक। तो यानी कि शायद भी जैसे दानी पीने में बड़ा अच्छा हमें मशवरा दिया है कि दिल छोटा नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर यही कहना चाहूंगा कि इससे बेहतर जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि आप लबड़ भी ब्रीड करा रहे हैं, राह भी ब्रीड करा रहे हैं, और फहद शाही साहब जो हैं तो ये बताएंगे हमें। हाँ भाई, आप न्यू फैंसियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें कि यानी कि जो जैसे कि हम न्यू फैंसियर हैं, जैसे मैं अभी हो रहा हूँ, तो आप मुझे क्या मशवरा देना चाहेंगे कि बर्ड में मैं क्या हॉबी इसको क्या समझ के चलाऊँ? सबसे पहले तो कमर्शियली लगाना चाहिए ठीक है, और दिल नहीं छोड़ना। और ये काम सब्र वाला है, जिसमें सब्र है वो विनर है, जिसमें सब्र नहीं वो काम ही ना करेगी, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है कि नहीं? और वक्त आएगा इंशाल्लाह, न्यू फैंसी का भी आएगा, अभी बहुत टाइम और बिल्कुल बहुत काम बाकी है अभी लबड़ में। ठीक। हाँ जी शाद भाई, इफ्तखार भाई, आप इसके मुतालिक क्या कहना सर चाहेंगे? मैं तो खुद न्यू फैंसियर हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ कि जो लवबर्ड में आ रहे हैं न्यू फैंसियर, वो अभी दिल ना छोटा करें और अभी थोड़ा टाइम दें इसको, इंशाल्लाह इसका रेट दोबारा आएगा और दोबारा हम ऐसे ही इसको ब्रीड करवाते रहें इंडस्ट्री को। सर इंशाल्लाह आप चाहते इंशाल्लाह, हैं कैसी प्रोडक्शन रही आगे? माशाल्लाह मेरे पास सब मैंने प्रोडक्शन ठीक हुई है, और यही मैं चाह रहा हूँ कि सब लवबर्ड लगाए रखें इस पर, दिल ना छोटा करें। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी बात, जैसे बात बनने का है कि ये रेट जो है वो और भी स्टेबल होंगे, लेकिन ये जो रेट अभी भी है ये बड़े अच्छे रेट है, यानी कि बिल्कुल और डाउन नहीं हम जो इसको कह पुराने सकते। लोग हैं जिन्होंने लवबर्ड ब्रीड कराए हुए हैं वो इस चीज को जानते हैं कि 4 5 साल पहले अल्बाइनो रेड आई की जो प्राइस थी वो यही 3500 4000 रुपये था, बिल्कुल और वो इसी पे रही है, 5000 6000 4000 पे। काफी देर स्टेबल रही है इसी और जगह ये पे, इसी तरह ही होता है कि 2 4 5 साल के बाद ये थोड़ा सा नीचे आता है, फिर अपनी पीक पे चला जाता है, फिर लोगों ने ठीक देखा ये 21 22 25 हजार का भी बिका, तो अभी माशाल्लाह अच्छी इसकी प्राइस भी अच्छी है, और 5 6 हजार रुपये में 7 हजार भी 8 7 7 हजार तक बिक रहा है, तो अगर कोई भी बंदा 8 10 पेयर लगा लेता है तो उससे कोई 20 25 बच्चे भी निकाल लेता है, तो एक अच्छी अर्निंग है उससे। पार्ट टाइम के लिए। और वैसे भी अगर आप देखें तो अगर 7 हजार रुपये का आप पीस ले रहे हैं, 14 हजार रुपये में आप पेयर तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको 4 बच्चे भी दे देता, तो आपकी तो प्राइस वो निकल आती है उसमें पहले क्लच में, तो बिल्कुल नुकसान वाली तो कोई चीज है ही नहीं। बेसिकली ठीक है, ठीक है। बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने इसे ब्रीड लेनी है, जो भी बर्ड ब्रीड कर रहा है उसमें नुकसान किसी चीज का नहीं है, बिल्कुल चाहे ऐसे वो ही है, 200 रुपए का भी पीस बिक रहा है, बिक रहा तो वो कुछ ना कुछ आपको देके जा रहा है। बिक रहा। तो अगर किसी भाई को बर्ड चाहिए होगा तो क्लोज रिंग बर्ड मिलेगा आपको, जिसमें जो है वो हमारी सोसाइटी का रिंग नाम मेंशन होगा फर्स्ट बंदे का, और साथ जो है वो लोगों में जो है वो हमारी सोसाइटी का होगा FLS के नाम से। तो किसी को अगर कमर्शियल में और पेल फेलोज में, अपलायंस में, पाब्लो अपलायंस में कोई भी बर्ड चाहिए हो तो हमारे पास अवेलेबल है, और गारंटी पे भी वो बर्ड होगा। उसके अलावा जो है वो समीर भी हमारे पास बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा बताएंगे। जी इसमें भी जब मैंने 2017 18 में मैंने शुरू की थी, तो उस टाइम पे भी लंबर 4 4 हजार का मैंने खुद लिया और 15 15 हजार का मैंने बेचा है। तो ठीक, लंबर मैंने 0 से ऊपर आते हुए भी देखा है, और अब 100 से नीचे जाते भी देखा, बिल्कुल लेकिन बड़ा कुछ नहीं पड़ रहा है। तो भी मैं शुकीन अभी भी आ रहे लबड़ दिख रहा है, शुकीन ज्यादा आ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा ना। डेटा बहुत ज्यादा मैच हो गया शुकीन इस लबड़ में, 40 का रेट भी स्टेबल होगा, बस अभी तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया नहीं, और हर गली में हर मोहल्ले में शोर हो रहा है। यहां पे मैंने लगाया